A constant force F is equal to m2g by 2 is applied on the block of mass m1 as shown in figure. The string and the pulley are light and the surface of the table is smooth. Find the acceleration of m1. तो यहाँ पे देखो अभी इसमें जो फोर्स होगा वो होगा नीचे की तरफ m2g, टेंशन होगा ऊपर की तरफ t, m1 पे टेंशन होगा राइट साइड। चलो मान लो कि ये मूव हो रहा है आपका विथ एक्सेलरेशन a, तो m2 भी ऊपर की तरफ मूव होगा विथ एक्सेलरेशन a, और जो f है वो f क्या है आपका m2g/2। तो यहाँ पे देखो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, राइट, m1 फॉर m2 बोथ। तो अगर मैं m1 के लिए नेट फोर्स इज इक्वल टू ma लिखूं तो वो हो जाएगा आपका m2g/2 - t इज इक्वल टू m1 a। सिमिलरली फॉर m2, अगर m2 के लिए लिखूंगा तो m2 मूव हो रहा है ऊपर की तरफ, तो ये हो गया t - m2g इज इक्वल टू m2 a। तो आपको चाहिए यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो दोनों को ऐड कर दो। अगर इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करोगे तो यहाँ पे जो टेंशन है वो हो जाएगा कैंसल। अगर ये कैंसल हो गया तो ये हो गया m2g/2 - m2g इज इक्वल टू m1 + m2 * a। सो ये हो गया आपका -m2g/2 इज इक्वल टू m1 + m2 * a। देन एक्सेलरेशन a इज, देखो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो होगा आपका नेगेटिव m2g/2 m1 + m2। तो अगर आपका आंसर नेगेटिव है उसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपका रिवर्स होगा, उसका मतलब। तो यहाँ पे जो m2 है वो m2 का एक्सेलरेशन वो होगा नीचे की तरफ और a होगा आपका राइट साइड। तो जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का वो सेम है, दैट इज m2g/2 m1 + m2। ये हो गया आपका आंसर।